दोस्तों जुलाई अगस्त की राशन कार्ड की नई लिस्ट आ चुकी है। आप उसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपका नाम उसमें जुड़ा है या फिर आपका नाम कटा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नाम जुड़ा भी है और बहुत सारे लोगों का नाम कटा भी है। तो आप राशन कार्ड की नई लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं, अपने गाँव वालों का नई लिस्ट में नाम देख सकते हैं कि किस किस का नाम जुड़ा है, किस किस का नाम कटा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर आपका राशन कार्ड के नाम में जुड़ा है, अगर आपकी लिस्ट में नाम है, तो आपके फैमिली में कितने लोग का नाम उसमें डला है, यानी कितने लोग उसमें ऐड हैं, और एक लोग पे कितने जो कि अनाज मिलेंगे फ्री, कितने दाल, कितने चावल, सब कुछ कितने मिलेंगे, सब कुछ कितनी यूनिट पे मिलेंगे, सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो अपने मोबाइल से घर बैठे ऑनलाइन। सिर्फ इस वीडियो को आप पूरा देखना और मैं यहाँ पर सब कुछ आपको क्लियर करने वाला हूँ, सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करो उसके पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दो यार। लाइक करने से हमें सपोर्ट मिलता है और मुझे कुछ नहीं मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही जानकारी आपके लिए लाने रहने का मन करता है। तो आप वीडियो को लाइक करें जरूर प्लीज़ दोस्तों, और यहाँ से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में एक छोटी सी घंटी आएगी इसको दबा के यहाँ पर ऑल प्रेस कर लेना ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। और यहाँ से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी अपने गांव की राशन कार्ड की नई लिस्ट में नाम अपना देख सकें, ठीक है। और यहाँ पे आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, किस ज़िले के, और आपका राशन कार्ड की नई लिस्ट में नाम जुड़ा है या नहीं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उसके बाद दोस्तों आपको डायरेक्ट इस पेज पर आ जाना है, इस पेज का जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डायरेक्ट आपको इस पेज पर आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पे एक पीले कलर से मिलेगा NFSA की पात्रता सूची, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपके आपके जो है कि राज्य में जितने भी ज़िले होंगे सारे ज़िले यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपका जो भी ज़िला है आप वहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, मैंने यहाँ पर एक ज़िला सेलेक्ट कर लिया। और हर एक ज़िला में नगरीय क्षेत्र भी होगा, ग्रामीण क्षेत्र भी होगा, तो आप गाँव से रहते हैं या शहर से, तो मैं यहाँ पर गाँव से रहता हूँ, तो गाँव में आपका जो ब्लॉक है वो सेलेक्ट करिए, यहाँ पर ब्लॉक मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हर एक ब्लॉक में बहुत सारे गांव होंगे, तो जो आपका गांव होगा वो आप सर्च कर सकते हैं और यहां गांव के आगे भी देख सकते हैं कि कितने लोग का राशन कार्ड बना है। यहां पर नंबर भी शो होंगे, तो यहां पर हमें नंबर नहीं देखना, हमें यहां पर लिस्ट देखनी है। तो यहां पर एक गांव अपना मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरा गाँव है। अब इस गाँव में देख सकते हैं दुकानदार का नाम है सतीश सिंह, यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर 414 लोगों का राशन कार्ड बना हुआ है, नई लिस्ट है यहाँ पर, तो 414 पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप 414 पर क्लिक करोगे आपको पूरी जो कि लिस्ट आपके गाँव की पूरी सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिस्ट जो कि पूरी तरीके से आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको इस लिस्ट में अपना नाम ढूंढना है, अपने यहाँ पर धारक का भी नाम रहेगा, पिता पति का नाम, माता का नाम, और कुल यूनिट यानी कि कितने मेंबर आपके घर में जुड़े हैं यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पर डिजिटल राशन कार्ड संख्या मिलेगा, तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हो कि उसे अगर 4 यूनिट दिया है तो उस 4 यूनिट में किसका किसका नाम है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर 4 लोग का नाम देख सकते हैं, रीता, नखड़ू, सोनी, सूरज, यानी 4 लोग का यहाँ पर नाम जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका राशन कार्ड की नई लिस्ट में नाम है या नहीं और कितने लोग जुड़े हैं, सब कुछ देख सकते हैं। दोस्तों ये जो राशन कार्ड की नई लिस्ट है यूपी का मैंने बताया, उत्तर प्रदेश का बताया, अगर आपका कोई और जिला है मतलब राज्य है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक। अब मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ पर मैं आपको पर्सनली लिंक दे दूँगा, उस पर क्लिक करके आप अपने राज्य का देख सकते हैं। तो आई होप वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम की ID। थैंक यू सो मच।